हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका रैट्स की दुनिया में। ओम साई राम। तो जी हाँ, रैट्स आज फिर अपना सिंहासन लेकर बैठ गई है आपके मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, जो है घर की शादी के बाद ये क्वेश्चंस आए हैं। और मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि मैंने सबको बताया व्हेन आई वाज लाइव, मैंने बोला कि ऐसा नहीं लगे कि व्हेन आई टेल दीज थिंग्स आपको लगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, तो देन पीपल सेड नो, वी वांट टू नो, हमें एक आइडिया मिलेगा। तो आपकी डिमांड तो जी हाँ, रैट्स हाजिर है अपने आउटफिट्स की प्राइस डिटेल्स लेकर। आज रैट्स अपनी बात करेगी क्योंकि रैट्स की दुनिया, इधर हम बात करेंगे रैट्स की और सिर्फ रैट्स की। तो जी हाँ, घर की शादी, घर की पहली शादी मम्मा के लिए तो बहुत स्पेशल थी। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे कपड़े सिलवाए थे, बट व्हेन इट कम्स टू फाइव इम्पॉर्टेंट अटायर्स, उनके प्राइजेस आप लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिए। जी हाँ गाइस, सबसे पहला इवेंट था सगन। मैंने जहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर मैंने अटैच किया, मैंने एक स्ट्रेट अनारकली पहना था जिसमें बहुत सारी कलियाँ थी, प्योर सिल्क में था। अगेन मेरा कुछ मन था कि मैं कुछ रॉयल पहनूँ, इट इज़ अ फर्स्ट इवेंट, तो विंटर्स थे तो मैं सिल्क पहनना अफोर्ड कर सकती, तो इट वॉज प्योर सिल्क। तो जिया ये मैंने लिया था, तो सगन का जो मेरा ड्रेस था वो मैंने लिया था करोल बाग फ्रंटियर रास, जो मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया घर की पहली शादी में। एंड इसकी कॉस्ट थी गाइस 50,049 समथिंग कुछ था, तो बहुत ही कम पैसे थे उस 49 समथिंग में। तो यस, आई कैन राउंड अप। दो सूट वहाँ प्योर में पड़े हुए थे जिनका दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट यही था, 150 और 151 ऐसे कर कर था। तो आई हैव गिवन फॉर माई सगन ड्रेस फ्रंटियर रास करोल बाग 50,000। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अटायर वॉज कॉकटेल। रैट्स के मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स सहज से थे करोल बाग, सो व्हेन इट कम्स टू कॉकटेल मुझे थोड़ा वेस्टर्न लुक देना था, तो वो जो स्ट्रेट गाउन था विद थोड़ा शाइनी, क्योंकि रात में वो चमकना चाहिए था क्योंकि नाइट इवेंट है, तो वो मैंने लिया था सहज करोल बाग एंड इट वॉज 28,000। तो स्ट्रेट गाउन था पूरा सीक्वेंस हैंडवर्क, अंकल हैज़ प्रॉमिस मी कि वो कभी काला नहीं पड़ेगा, एज इफ मैं पता नहीं उसे कब पहनने वाली हूँ। तो पूरा नीचे फ्लेयर था, अच्छी फ्लेयर थी नीचे, अच्छा खासा बुकरम था, वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज अगेन प्योर सेमी नहीं था, तो वो 28 समथिंग में कुछ था। तो मैंने लिया था करोल बाग सहज से। जी हाँ, साथ में लेट्स डिस्कस द ज्वेलरीज एज वेल। सगन में मैंने जो अटायर पहना था उसके संग जो ज्वेलरी थी वो मैंने रियल ज्वेलरी पहना था, रियल गोल्ड था एंड इट वाज फ्रॉम लाजपत नगर धीर सन्स। तो मोस्ट ऑफ द इवेंट मैंने रियल गोल्ड ही पहना था, मैंने ज्वेलरी पे ज़्यादा स्पेंड नहीं किया था। तो एज मैंने बताया था, मैं वंशिका को भी चाहती थी कि वो अपनी वेडिंग पे रियल गोल्ड पहने, बट शी डिडंट सपोर्ट दैट आइडिया, बट दैट्स फाइन, बच्चों की अपनी इच्छा है, जैसे मेरी अपनी इच्छा है वैसे आई गिव हर ऑल्सो पूरी फ्रीडम की उसकी क्या चाह है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो जी हाँ, सगन पे जो मैंने ज्वेलरी था मेरा प्योर गोल्ड था एंड वो मैंने लाडो की शादी पे न्यू लिया था। सो यस, कॉकटेल में सहज 28,000 ऊपर नीचे होगा गाइस, तो मैं आपको नियर बाय ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है 500 या 500 ऊपर नीचे होगा, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने उस दिन ज्वेलरी कुछ नहीं पहनी थी, हाथों में कुछ नहीं पहना था, मैंने डायमंड के इयररिंग्स पहने थे, राउंड बालियाँ थी, दैट्स इट। तो ये था मेरा कॉकटेल का लुक। ऑन टू मेहंदी रात। तो मेहंदी रात पे जो मैंने ड्रेस पहना था वो मैंने लिया था शाहपुर जज से, एंड आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन द डिज़ाइनर नेम बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी विद, एनीवे लेट्स कट शॉर्ट दैट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेन एवर यू गो टू शाहपुर जज, कस्टमाइज मत कराइए, जो दिखता है वो बिकता है, वो ही लीजिए जो आपको दिख रहा है। एरर नहीं चाहती थी मैं, बहुत स्लिम लग रही थी उसमें, वही बात से बस मैं हर एरर हटा रही हूँ। तो
वो ड्रेस मैंने लिया था 37 समथिंग कुछ, तो 37,000। अगेन गाइज ऊपर नीचे होगा बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 37 पॉइंट कुछ होगा या 36 पॉइंट कुछ होगा, इसी राउंड में था, मुझे एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं हैं। तो वो शाहपुर जट से लिया था, डिज़ाइनर था। तो कम्स टू ज्वेलरी, मैंने रियल पहना था, दैट वॉज वाई माई वेडिंग सेट जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी शादी पे दिया था, मैंने बहुत अपनी चॉइस से और बहुत ही घूम फिर कर लिया था। कभी कंधा जान के करता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ फिर। तो वो मैंने लिया था करोल बाग से, डोंट रिमेम्बर द ज्वेलरी शॉप नेम। मुझे याद है जो मेरी डेली वाली सिस्टर है उनके इन लॉज ने हमको वो शॉप बताई थी और कोई आया बने रही। तो वो दैट सेट इज़ लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं किसी एक इवेंट पे उसको ज़रूर पहनूंगी, एंड वॉज वेरी रॉयल एंड सब ने उस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो जी हाँ, ये था मेरा मेहंदी के अटायर का डिटेल। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट, ऑन टू नेक्स्ट इवेंट, इट इज़ हल्दी का अटायर, हल्दी और गड़ोली। ऑल दो मैंने दोनों इवेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कपड़े लिए थे बट नहीं टाइम मिल पाया आई कुड। मैंने जो येलो सूट पहना था इट वॉज अ शरारा, नीचे पूरा शरारा सूट था, वो भी मैंने सहज करोल बाग से लिया था एंड इट वॉज 1200 तो पता नहीं कितने 12,000, इट वॉज 12,000 रुपीज़ फ्रॉम सहज करोल बाग। अगेन मैंने कोई चीज़ें कस्टमाइज नहीं कराई थी क्योंकि एक ने मुझे लेसन दे दिया था तो मुझे जो चीज़ दिख रही थी मैं वैसे ही ले रही थी। कम्स टू हल्दी ज्वेलरी, दैट वाज अ हैंडमेड इयररिंग्स, मैंने आपको बताया था मैंने रजौरी से लिए थे। एक बहुत ही लेडी थी जो वो लगाकर बैठी थी और वो स्टॉल और वो हैंडमेड सेल कर रही थी तो मैंने वो लिए थे। और मांग टीका हैव टेकन फॉर एवरीबडी ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम चांदनी चौक। तो बैंगल्स मैंने रियल ज्वेलरी पहनी थी गोल्ड का। तो हल्दी का मेरा ये लुक था 12,000 सहज करोल बाग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू वेडिंग की ड्रेस। तो गाइस दिल थाम के बैठी है, ऐसा कुछ नहीं था, सबका अपना अपना पॉकेट होता है, बजट होता है। घर की पहली शादी थी, मेरे बहुत अरमान थे और दूसरी में भी यही अरमान रहेंगे, चिंता मत लगाइए। तो लहंगा के लिए मैं बहुत लुक फॉरवर्ड थी, कलर के लिए पर्टिकुलर थी कि मुझे कुछ अच्छा सगनों वाला कलर ही पहना है ब्राइड। तो अगेन मेरा लहंगा मैंने सहज करोल बाग से लिया था एंड द लहंगा कॉस्ट वॉज 1,06,000। तो 1,06,000 का मेरा लहंगा था, इट वॉज प्योर हैंडवर्क, पूरा स्टोन प्योर का ब्लाउज था, लहंगा प्योर में था, पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी थी, पूरा स्टोन वर्क था गाइज उसमें। मुझे लगता है इतना हैवी था कि कांट टेल यू, उसमें जो सिर्फ एक वो लटकन ही थी वो इतनी हैवी थी। ब्लाउज में पूरा उन्होंने सेरोस्की का वर्क करके दिया था, तो जैसे ये उसकी कॉपी, आई डोंट प्रमोट दैट, तो मुझे वो बहुत पसंद आया था तो इसीलिए मैंने वो पिक किया। तो जी हाँ, व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, सिर्फ एक वो ही इवेंट था जिसमें मैंने रियल गोल्ड नहीं पहना था। द ज्वेलरी आई हैव टेकन फ्रॉम द ओम ज्वेलर्स, इट्स इन लाजपत नगर लोकेटेड। तो वो सेट मेरा आया था 18,000 का, इट वॉज इन सम कैरेट और चांदी में, स्टोन्स की पूरी गारंटी थी। तो इसलिए मैंने इतना स्पेंड किया क्योंकि आजकल रेंटल भी, क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ भी चलता फिरता रेंटल नहीं पहनना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उस पर, आई नो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट मुझे लगा एक बारी में चीज़ बन जाएगी एंड इट्स फाइन। बिल्कुल वो मेरे अटायर के संग ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लहंगे के बीच निकाल कर उस सेट में लगाया। तो पूरा सेट था गले का, इयररिंग्स एंड द मांग टीका। मैं बहुत स्पेसिफिक थी, कि मुझे मांग टीका लगाना ही लगाना है, लगाना ही लगाना है। तो इट्स ओके, कभी कभी आप कहीं बचा लेते हो तो कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो ये था मेरा सारे शादी के आउटफिट्स का प्राइस एंड द ज्वेलरी, कहाँ से कहाँ क्या क्या लिया था मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज में नहीं जाती हूँ, रिंग्स की मुझे आदत नहीं है, आप इवेंट्स में देख सकते हैं मैंने ज़्यादा रिंग्स नहीं पहने हुए, सिर्फ शादी पे ही मैंने एक बड़ा सा रिंग
पहना था, तो मैं बहुत ज्यादा रिंग्स नहीं पहनती हूँ, आई एम नॉट अ वेरी मच ज्वेलरी पर्सन। उसके अलावा ये था राज का हॉल, घर की पहली शादी में राज ने जो अटायर पहने थे सबका कच्चा चिट्ठा मैंने आपके आगे रख दिया। आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा गाइस। सब अपनी पॉकेट के हिसाब से करते हैं, मेरी पॉकेट इतना अलाउ कर रही थी, मैंने उस हिसाब से किया। क्या ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई शेयर द न्यू पोस्ट। ओम साई राम, कीप स्माइलिंग, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड वाटर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।